के तिग्रस शहर के कुछ पेट्रोल पंप पर बीते कई दिनों से बुनियादी सुविधाओं का अभाव साफ नजर आ रहा है। यहां पीने के पानी, प्रसादन गृह, दूरध्वनि आदि के साथ ही QR कोड की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। इस संदर्भ में NBC न्यूज चैनल ने पेट्रोल पंप मालिकों और पेट्रोल पंप के मैनेजरों से समस्या से अवगत कराया था, लेकिन वे समस्या का समाधान करने की बजाय कई तरह के बहानों और आश्वासन की आड़ ले रहे हैं। इन पेट्रोल पंपों का प्रबंधन दोषपूर्ण होने से आमतौर पर या आपातकालीन स्थिति में पेट्रोल या डीजल भरने आने वाले ग्राहकों को भी यहां QR कोड की सुविधा ना होने से उन्हें मायूस होकर लौटना पड़ रहा है। हाल ही में समस्या की शिकायत NBC न्यूज चैनल ने स्थानीय तहसीलदार सुधाकर राठौर से की थी, जिसके फौरन बाद तहसीलदार ने इन पेट्रोल पंप के नाम से पत्र जारी कर उन्हें पीने के पानी, वाहनों के पहियों में निःशुल्क हवा भरने, प्रसादन गृह, दूरध्वनि आदि के साथ ही QR कोड की सुविधा तत्काल रूप से शुरू करने की तनकीद की थी। गौरतलब है कि साल 2014 से केंद्र सरकार ने कैशलेस इंडिया मुहिम शुरू की है और मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने भी पेट्रोल डीजल ग्राहकों की सुविधा के लिए पेट्रोल पंपों पर QR कोड अनिवार्य कर दिया था। लेकिन दिग्रस शहर के कुछ पेट्रोल पंप मालिकों की बीते कई सालों से सरकार के निर्देशों को अनदेखा कर मनमानी खुलेआम जारी है। ऐसे में अब दिग्रस तहसीलदार सुधाकर राठौर ने भी इस संबंध में पेट्रोल पंपों के नाम पत्र जारी कर दिया है। ऐसे में देखना होगा कि सुविधाओं से लैस दिग्रस शहर के पेट्रोल पंप मालिक अपनी हरकतों से बाज आते हैं या नहीं। NBC न्यूज के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।